नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। प्रिय मित्रों, 5 अप्रैल को भारतीय मित्र पार्टी के द्वारा हमने पुतला दहन किया था। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में आतंकी संगठन से हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। आतंकी संगठन मतलब आरएसएस संगठन, बीजेपी संगठन। यदि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति या किसी संस्था का व्यक्ति जान से मारने की धमकी देता है तो उसे आप क्या कहेंगे? आतंकी संगठन ही कहेंगे ना। हमारे देश के अंदर अब वो हाल हो चुका है, कैसा लगता है कि लोकतंत्र का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। अगर आपने आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया तो या तो आपको जान से मार दिया जाएगा, या आपको आतंकवादी कहा जाएगा, या आपको पाकिस्तानी कहा जाएगा, या देशद्रोही कहा जाएगा। यही एक इस देश के अंदर राजनीतिक बच गया है। शायद इससे बड़ा हमारे भारत देश के लिए और कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकता है। परसों से लेके अब तक सैकड़ों की संख्या में मुझे जान से मारने की धमकी आ चुकी है। कोई कहता है 2 दिन में मार दूंगा, कोई कहता है 3 दिन में मार दूंगा, कोई 3 घंटे में, कोई 1 हफ्ते में। क्या यही लोकतंत्र है भारत का? क्या यही सिद्धांत संगठन है आरएसएस का? किस चीज के लिए आरएसएस संगठन बना हुआ है भाई? लोगों को जान से मारने के लिए? भैया, जान से मारने का तो ठेका आरएसएस संगठन ने लिया हुआ है। तभी तो महात्मा गांधी की हत्या हुई ना इस देश में। नाथूराम गोडसे का संगठन, ठीक है, बहुत खुशी की बात है भाई, मरवा दो। यदि धनेश्वर महतो को मरवाने से यदि देश में आवाज दब जाएगी तो बेशक मुझे मरवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि धनेश्वर महतो पुतला दहन हमने किया, नरेंद्र मोदी का विरोध किया, तो इसी को हिटलर राज कहते हैं ना। हिटलर किसको कहते हैं? बीजेपी के लोग इटली की औलाद कहते हैं, ऐसा संबोधित करते हैं विपक्षी दल को। तो क्यों ना हम भी कहें जर्मनी की औलाद, यानी हिटलर की औलाद। हिटलर तानाशाह था कि नहीं था? तो हिटलर की औलादें मुझे धमकी दे रही हैं जान से मारने की। एक चीज याद कर लो आप लोग, हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद किया था, यह सत्य है। दुनिया जानती है, दुनिया का एक एक नागरिक जानता है कि हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद किया था। तो भारत के हिटलरों, तुम भी क्या भारत के दुश्मन हो जो सच का सामना करना नहीं जानते, सच सुनना नहीं जानते? क्या विपक्ष होने का मतलब आतंकवादी संगठन हो जाता है? क्या विपक्ष को विरोध करने का अधिकार नहीं रह गया इस देश के अंदर? लोकतंत्र का अर्थ क्या है, मुझे कोई बताएगा? यदि हम विरोध सरकार का नहीं कर सकते हैं तो इसी को हिटलर तंत्र कहते हैं। हिटलर का काम क्या था? कि अपने विरोधियों को आतंकवादी बताना। तो क्या भारत में विरोधी दल को आतंकवादी नहीं बनाया जाता है? उनको पाकिस्तानी कह के सपोर्ट बदनाम नहीं किया जाता है? कितने उदाहरण
देश में जितने आंदोलन होते हैं, क्या भारत में आज उस आंदोलन को कुचलने का काम नहीं किया जा रहा है? जी अमित शाह जी थोप देते हैं सेकंडों में जनता के ऊपर। 5 अप्रैल को क्या रहस्य छुपा हुआ था? क्या देश की जनता समझ पाई इस बात को? 5 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी को स्थापना दिवस था। 1980 में 5 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। क्या भारतीय जनता पार्टी के एक भी सदस्य ने 5 अप्रैल को कहा कि आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, इसीलिए रात के अंदर 9 बजे हमारी पार्टी के समर्थन में पूरा देश मोमबत्ती जलाए, दिया जलाए, क्योंकि वो पार्टी ऑफिस में रहते हुए ये काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया। देश की उन व्यक्तियों को, डॉक्टरों को सपोर्ट करने के लिए कहा गया कि हम उसके लिए मोमबत्ती अगरबत्ती जला रहे हैं, लेकिन वास्तविक सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का 5 अप्रैल को स्थापना दिवस था, तो इसीलिए पूरे देश की मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने के लिए कहा गया और पूरे देश की जनता झांसे में आ गई। और उनके नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले से बिहार में सैकड़ों की संख्या में लोगों के घर में आग लग गया, तो क्या इसका मुआवजा भारतीय जनता पार्टी दे रही है उनको? अभी तक तो किसी समाचार के माध्यम से हमने नहीं सुना है कि भारतीय जनता पार्टी उन व्यक्तियों का जो सैकड़ों की संख्या में बिहार में, चंपारण में, पटना में और कई जिलों में, जैसा राजस्थान में देखने को मिला, कर्नाटक में देखने को मिला, हिंदुस्तान के कई शहरों में आग लगा है इस दीपावली मनाने में, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भी व्यक्ति को 5 पैसा मदद पहुंचाने का कोई ऐलान किया है क्या? दूसरी चीज, मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री को कि मेरे वीडियो के माध्यम से उनकी आंख खुली और कल वो आके उन गरीब आदमियों के लिए सहानुभूति दिखाया, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।